चार बार के वर्ल्ड चैंपियन भारतीय टीम अंडर 19 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से खेलेगी, तो उसका लक्ष्य लगातार तीसरे फाइनल में प्रवेश का होगा। कुल मिलाकर भारत के पास सातवीं बार फाइनल में पहुंचने का मौका है। ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार आज दोपहर 1:30 बजे से दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट चेफर्स्टियम में खेला जाएगा। इस अंडर 19 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मुकाबलों में से एक माना जा रहा है। दोनों टीमें सेमीफाइनल तक की राह में अपराजय रही हैं। भारत ने क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हराया। पाकिस्तान के कप्तान रोहिल नजीर ने इस मैच को लेकर बनी हाइप को ज्यादा तूल देने से इनकार किया, लेकिन ये हकीकत है कि टूर्नामेंट में ये सबसे ज्यादा दबाव वाला मैच होगा। इसमें दोनों टीमों के खिलाड़ियों की असल परीक्षा होगी। इस मैच में अच्छा खेलने पर कोई रातों रात स्टार बन जाएगा और खराब खेलने पर खलनायक भी। पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज मोहम्मद हुरैरा ने अफगानिस्तान पर मिली जीत के बाद कहा था, ये काफी दबाव वाला मैच है और इसे लेकर काफी हाइप है। हम इसे आम मैच की तरह लेंगे और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की कोशिश करेंगे। सीनियर की तरह ही भारतीय जूनियर टीम का पलड़ा पाकिस्तान से भारी है। भारत ने पिछले साल सितंबर में उसे एशिया कप में भी हराया था। अंडर 19 वर्ल्ड कप में गत चैंपियन भारत ने 2018 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को 203 रनों से मात दी थी। वैसे क्रिकेट में इतिहास मायने नहीं रखता और प्रियम गर्ग की कप्तानी वाली टीम को पाकिस्तान पर जीत दर्ज करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल अंडर 19 वर्ल्ड कप से जुड़े अन्य खबरों के लिए।